जी सर, अब लाइव है। चल। और रेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, मैं मंसूर फारूकी और आज हम एक दफा फिर YouTube की लाइव सेशन में इकट्ठे हैं। और आज के YouTube लाइव सेशन में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे पास आपके लिए। और वो इम्पोर्टेंट बात वो शाहकार है जो कल आया है, यानी PMDC ने जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस हमारे पास आ गया है। उस सिलेबस को देख के हमें सबसे पहले सबसे ज्यादा खुशी ये हुई, शुक्र है ये वही कुछ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये वही सारी चीजें हैं जिन लाइंस पर हम तैयारी कर रहे थे। हम लोग जब नियर पियर की रेगुलर क्लासेस में, यकीन बैच में, आजकल जिन चीजों को देख रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम चीजें हैं। जिन लाइंस को फॉलो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम लाइंस हैं। और जिस टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं वो टेक्निक्स इसी तरह के सिलेबस के लिए बनी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत मुतमईन हैं, यकीनन आप भी बहुत मुतमईन होंगे। और अगर मुतमईन नहीं है तो यकीन बैच ज्वाइन कीजिए, यकीनन आप भी मुतमईन हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं आज के सेशन की, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने प्लान था एक टॉपिक डिस्कस करने का, लेकिन चूंकि अब सिलेबस आ गया है और सिलेबस ही तो असल बात है, तो सिलेबस को डिस्कस किए बगैर कैसे मुमकिन है कि हम कुछ और बात करें। तो हमने कहा कि पहले क्यों ना सिलेबस को भी देखा जाए। मैं बात करूंगा सिर्फ फिजिक्स की। फिलहाल फिजिक्स में हमारे पास, हमने ये देखा कि हमारे पास फिजिक्स में 27% कंट्रीब्यूशन है और 54 MCQs हैं। फॉर मी मोस्ट इंपॉर्टेंट 27% जो डिसाइड करेगा कि आप मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं या नहीं जा रहे। आप लोग जब भी एंटी टेस्ट की बात कर रहे होते हैं, हम लोग जब भी एंटी टेस्ट को देख रहे होते हैं, तो एंटी टेस्ट की डिस्कशन में अक्सर अक्सर बच्चों के हवाले से ये बात हमें नजर आ रही होती है। बच्चे कहते हैं यार फिजिक्स 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 फिजिक्स। तो हमने कहा यार इसीलिए तो हमने इस फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही तो हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हम अब वो टॉपिक्स जो मुश्किल टॉपिक्स थे वो बगैर किसी, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना वेलफेयर पर्पस के लिए, बिल्कुल कोई हमें इसका फायदा शायद ना नजर आ रहा हो कि भाई हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें। तो अब मैंने जो बात कहनी थी वो ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 27%, और उसके अंदर वो ये कहता है कि 20% आपके पास इजी है, 60% आपके पास मॉडरेट मीडियम जिसको हम कहते हैं, और 20% हार्ड। अब ये जो इजी मीडियम हार्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उस बच्चे के लिए है जो बहुत अच्छी सी तैयारी करके आया है। ये उस बच्चे के लिए बातें हैं जो बहुत अच्छी सी तैयारी करके आया है। उसे इजी क्वेश्चन वाकई इजी लगे, मीडियम क्वेश्चन पे वो एक लम्हे के लिए रुके और सॉल्व कर ले, और हार्ड क्वेश्चंस बेसिकली वो 20% ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली डिसाइड करेंगे कि वाकई कोई बच्चा क्या हो रहा है, उसके साथ क्या होने लगा है, वो किस सिचुएशन में है, वो कहीं जा भी रहा है या नहीं जा रहा। तो हम ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी से तैयारी करनी है, और जहां पे भी प्रॉब्लम हो, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप जहां कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आपने परेशान नहीं हो, आपने फौरी तौर पे नियर पियर का यूट्यूब चैनल ऑन करना है। आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर किसी वीडियो लेक्चर की शक्ल में मिल जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को ना सिर्फ उसके सोल्यूशन ढूंढें बल्कि उस टॉपिक में एक्सेल भी करें, तो फिर उसके लिए जरूरी होगा कि आप नियर पियर को ज्वाइन भी कर लीजिए। अब कंटेंट की बात करते हैं हम लोग। जो हम कंटेंट को देखते हैं तो वही बातें जो हमारे पास मौजूद थी, फोर्स एंड मोशन है, वर्क एंड एनर्जी है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है, वेव्स हैं, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, अगर हम ये देखें तो इसके अंदर हमें नजर आता है कि ये जो आपके पास पहला हिस्सा है, पहले हिस्से से मुराद आपकी वो जो फोर्स एंड मोशन वाला हिस्सा है, वो एक बड़ा तवील पोर्शन है। उसके अंदर बहुत कुछ शामिल है, बहुत कुछ शामिल है। लेकिन उसके बाद जो वर्क एंड एनर्जी है,
उसके अंदर चीजों को बहुत ज्यादा नहीं है, आपने वर्क को, एनर्जी को, पावर को एक्सप्लेन करना है। जो सर्कुलर मोशन है उसके अंदर आपने वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल फोर्स को एक्सप्लेन करना है। सेंट्रीपेटल फोर्स एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और आज की इस सेशन की खास बात यह है कि आज हमने भी यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स को ही डिस्कस करना है। आज हमारे इस सेशन में भी सेंट्रीपेटल फोर्स को ही डिस्कस किया जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि आज हमारे पास ये सेशन इसलिए भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज किया जा रहा होगा। अब हम लोग जब इस बात को देखते हैं तो इसके बाद वेव्स का टॉपिक था। वेव के टॉपिक में हमारे पास जगह, अगर हम इस टॉपिक को देखें ना, वेव के टॉपिक को देखें तो हमें ऐसे लगता है कि यार ये तो बहुत कुछ है, लेकिन जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हम हैरान होते हैं। प्रोग्रेसिव वेव, क्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, तो वो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। असल टॉपिक क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, स्टेशनरी वेव्स, डॉपलर इफेक्ट, और फिर उसके बाद यहां पर हमारे पास मौजूद है कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन की बातें। तो जब आप इस सिलेबस को गो थ्रू कर रहे होते हैं, जब आप इसमें जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, लेंज़ लॉ है, जिसके अंदर जनरेटर की बात है, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो ओम्स लॉ, पावर, इलेक्ट्रिक पावर, पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स की कुछ डिस्कशन है, तो हम लोगों ने बेसिकली जो कोशिश की, बेसिकली जो डिस्कशन की, वो डिस्कशन ये है कि हम लोग बेसिकली ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग आपको बता सकें कि पीएमडीसी ने जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। जब आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं तो फिर उसका फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि यार इसके अंदर कौन सी सिर्फ डेफिनेशन है और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके अंदर से वो जो मीडियम और हार्ड वाले सवाल बना सकता है। ठीक है, अब वैसे तो हमें नहीं पता कि मीडियम और हार्ड को वो कैसे डिफाइन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे कि कौन सा सवाल मीडियम और हार्ड है। एट द मोमेंट हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में, अगले सेशन में हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम ये बात कहते हैं कि यार आप ना इस सिलेबस को अच्छे तरीके से समझें। जब आपको सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा ना कि यार ये सिलेबस ये चीज है, इसके अंदर ये स्टोरी मौजूद है, ये चीजें तो खाली कंपनी की मशहूरी के लिए लिखी हुई है और ये असल बात है, इसके अंदर से ये बेस डेवलप हो रही। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्या मुझे सिर्फ यही टॉपिक्स करने, तो हम लोग, मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता कि सिर्फ यही टॉपिक कर, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि यार ये टॉपिक तो आपने करने हैं, वो टॉपिक भी करने हैं जो टॉपिक इनको समझने के लिए जरूरी है या जिन टॉपिक्स में ये टॉपिक इस्तेमाल होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा बहुत ही अजीज बच्चों कि आपने जब 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 भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, आपके लिए जरूरी है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने के बाद उन तमाम टॉपिक्स को भी देखें जो टॉपिक गिवन टॉपिक्स के साथ रिलेट करते हैं, चाहे वो उसकी बेस बनाते हो, चाहे वो उसकी एप्लीकेशंस में जाते हो। दोनों सूरतों में आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अपेरेंटली देखते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, तो आपको, मुझे, हम सबको बहुत आसानी से पता है कि एक ऐसी फोर्स है, फोर्स विच इज यूज्ड टू बेंड नॉर्मली स्ट्रेट पाथ into circular path। एक ऐसी
एक ऐसी फोर्स जो एक इस स्ट्रेट पाथ को बेंड करे और इस बॉडी को बजाय स्ट्रेट जाने के घुमा के सर्कल में ले आए और इस तरह सर्कुलर पाथ पर ले, ऐसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। अब जब सेंट्रीपेटल फोर्स के एक्सप्रेशन की बात होती है तो सेंट्रीपेटल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन अब ए जो है वो ए नहीं है बल्कि ए सी है। ए सी से क्या मुराद है, ये है आपके पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अगर ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है तो फिर जब एक बॉडी सर्कल में घूम रही होती है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो हम कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल के तरफ होती है तो फिर रेडियस और सेंट्रीपेटल फोर्स के दरमियान कौन सा एंगल होता है, ये बड़ा मशहूर सवाल है। आपके पास ना एक सवाल था, वो कहते हैं कि रेडियस एंड सेंट्रीपेटल फोर्स के दरमियान एंगल जो है वो बता दें। अब हम ये कहते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा रेडियस की डायरेक्शन में होता है, अलोंग द रेडियस होता है। तो अगर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस होता है तो क्या उसके दरमियान एंगल जीरो होता है, हम कहते हैं नहीं, उसके दरमियान एंगल जीरो नहीं होता। तो फिर अगर उसके दरमियान एंगल जीरो नहीं होता तो फिर कितना एंगल होता है, हम कहते हैं उसके दरमियान एंगल होता है 180। अरे भाई जीरो नहीं होता, 180 क्यों होता है, इसलिए क्योंकि रेडियस हमेशा सेंटर से सर्कमफेरेंस की तरफ होता है और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमेशा सर्कमफेरेंस से सेंटर की तरफ होता है। तो ये याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ द सर्कल और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल 180 डिग्री होता है क्योंकि रेडियस सेंटर से सर्कमफेरेंस की तरफ और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सर्कमफेरेंस से सेंटर की तरफ होता है। गुड, अब ये सारे बच्चे जो 180 डिग्री लिख रहे हैं इनके लिए ढेरों शाबाश और तालियां। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि होता किसके बराबर है, हम ये कहते हैं कि ये बराबर होता है वी स्केल ओवर आर के। तो अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा एम वी स्केल ओवर आर के। अब आप में से वो बच्चे जिन्हें सर्कुलर मोशन के बारे में पता है वो ये जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं तो मेरे पास यही एक्सप्रेशन आ जाता है, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्केयर ओवर नथिंग एम आर ओमेगा स्केयर। अब अगर ये एम आर ओमेगा स्केयर के बराबर है तो फिर ये एक और एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां से आता है एक मजे का सवाल, देखो मैं जरा दोबारा लिखता हूं एक्सप्रेशन। मैं कह रहा हूं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है वो एम वी स्केयर ओवर आर के भी बराबर है एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एम आर ओमेगा स्केयर के भी बराबर है। अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे और क्वेश्चन ये हो कि आर इज इंक्रीज बाय डबल यानी टू टाइम्स, 2R बन गया, R 2R बन गया, अब मुझे ये बताओ कि सेंट्रीपेटल फोर्स का क्या बनेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स का क्या बनेगा। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कौन सी बात को सही माने, हम कहते हैं ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट रह नहीं सकता, ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर, ओमेगा
आप आर को चेंज करो, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर। आप अगर ओमेगा को आर को चेंज करोगे तो ओमेगा ने चेंज होने ही होने, आप जो मर्जी कह लो, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है ही नहीं। आर की वेरिएशन के बाद ओमेगा को सेम रखा जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो सारे फ्यूचर डॉक्टर्स जो यहाँ पर हाफ 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 लिख रहे हैं, मोहसिन है, शाह वी लॉग्स है, सैयदा जहरा है, पहलाज है, मुनीब है, फरहीन है, मारिया है, ये सब के सब लोग बेस्ट आंसर दे रहे हैं और ये दोनों सब लोग सही कह रहे हैं कि सेंटीपेटल फोर्स हाफ हो जाएगी। अब नादिया खान का भी जवाब आ गया, नादिया ने भी बिल्कुल ठीक कहा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें एक्सप्रेशन में देखना है कि एक्सप्रेशन कौन सा इस्तेमाल होगा, जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल होगा हम उसी एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे जिसके अंदर बाकी चीजें कॉन्स्टेंट हो सकती हैं। अच्छा, अब जब हम लोग ये बात करते हैं तो फिर इस सेशन का, ये तो सारी वो बातें जो हमें रेगुलर क्लास में भी बता दी जाती है, तो फिर इस सेशन में स्पेशल क्या है। इस सेशन में आज दो गिफ्ट्स हैं, नियर पीयर की तरफ से, मंसूर फारूकी की तरफ से। वो सारे बच्चे जो ये सेशंस देख रहे हैं और जो इसके बाद इस सेशन को देखेंगे उनके लिए दो गिफ्ट है। एक गिफ्ट ये है कि हम सेंटीपेटल फोर्स को रिलेट करने जा रहे हैं एफ यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से। अब आपके पास गिफ्ट नंबर वन ये है कि हम सेंटीपेटल फोर्स को रिलेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड से। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, सेंटीपेटल फोर्स किसके बराबर थी, एम आर ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा किसके बराबर होते हैं, टू पाई एफ के। तो आप लिख सकते हो एम आर ओमेगा स्क्वायर है ना, तो आप इसको लिख सकते हो फोर पाई स्क्वायर एफ। तो एफ सी किसके बराबर हो गया, फोर पाई स्क्वायर एम आर इंटू एफ के। यानी अगर आपको मास रेडियस दिया हुआ हो, सेंटीपेटल फोर्स बता दी जाए, तो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, तो सेंटीपेटल फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन जो है आपस में रिलेट करती है। और अगर आप इसी जगह से टाइम पीरियड को निकालो तो हमें पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन ओवर एफ। तो आप कह सकते हो कि टाइम पीरियड जो है वो बन जाएगा आपके पास फोर पाई स्केल एम आर ओवर एफ सी। और ये जो है ना, अरीबा जफर कह रही है कि सर आज मेरा प्रैक्टिकल था, सेम क्वेश्चन पूछा गया वाइवे में, मैं सदके जाऊं, मुझे पता होता कि सेम क्वेश्चन पूछा जाना है तो मैं ये टॉपिक कल ही करवा देता। अब मुझे नहीं पता आपने क्या जवाब दिया होगा, लेकिन मेरी दुआ है कि जो आपने जवाब दिया हो वो ठीक दिया हो। अच्छा, अब हम ये कहते हैं, हाँ यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हम एफ स्क्वेयर आ रहा है, इस चीज को आपने जहन में रखना है। और जब ये एफ स्क्वेयर आ रहा है तो फिर जब मैं इसको सॉल्व कर रहा होता हूं, तो फिर इसको सॉल्व करते हुए हम लोग इस बात को लिखते हैं कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो, जब हम फाइनल एक्सप्रेशन की शक्ल बना रहे होते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन में इसको इस तरीके से रिलेट कर दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम जब इसको टाइम पीरियड को लिख रहे होंगे तो इसको इस तरह रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा आप कि हमने जब भी फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को सेंटीपेटल फोर्स के साथ रिलेट करना होगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है। अब आप चाहो तो आप इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करो, आप कह सकते हो कि दिस इज वन ओवर टू पाई एफ सी ओवर एम आर स्क्वायर रूट। और आप चाहो तो आप इस एक्सप्रेशन को भी इस तरीके से लिख सकते हो कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू
2 pi m r ओवर f c। तो ये वो चीजें हैं, ये वो कमालात हैं जो हमें सीखने होते हैं जब हम लोग एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हो गया गिफ्ट नंबर वन। अब आते हैं गिफ्ट नंबर टू। जब भी आप वर्टिकल लूप में मूव कर रहे होते हो, जब भी आप वर्टिकल लूप में मूव कर रहे होते हो, जैसे यहां पर एक वर्टिकल लूप है, ऐसे बॉडी, ठीक है। अब जब वर्टिकल लूप में घूम रहे हो तो फिर यहां पर और यहां पर क्या हो रहा है? ये टॉप पोजीशन, ये मिड पोजीशन और ये बॉटम, ये बॉडी सेंटर। और हम ये कह रहे हैं कि इस सेंटर से ये स्ट्रिंग आपने यहां पे बांधी हुई थी। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है। याद रखिएगा, यहां से जो सवाल आता है ना, वो सवाल आता है टेंशन इन स्ट्रिंग का। एक पत्थर से को आपने एक स्ट्रिंग से बांध दिया है और पत्थर को जब स्ट्रिंग से बांध कर आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, वर्टिकल लूप पे लेके जा रहे हैं, तो उस वर्टिकल लूप में क्या हो रहा है? वो कहां पे उसकी टेंशन ज्यादा है, कहां पे कम है, कहां पे कम और ज्यादा है, ये हमें बता। तो हम ये कहते हैं कि जब वर्टिकल लूप में बॉडी घूम रही होती है तो जो उसकी टेंशन इन द स्ट्रिंग का फॉर्मूला है ना, वो टेंशन का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर माइनस एम जी कॉस थीटा। ये जो थीटा है ना, ये एंगल है बिटवीन टेंशन एंड वेट के। याद रखिएगा एक बात, हमेशा याद रखिएगा कि टेंशन का रुख हमेशा सपोर्ट की तरफ होता है। टेंशन इन द स्ट्रिंग हमेशा सपोर्ट की तरफ होती है। यहां पे टेंशन इस तरफ है, यहां पे टेंशन इस तरफ है, यहां पे टेंशन इस तरफ है। तो टेंशन की डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रही। अच्छा, अगर टेंशन की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही तो फिर जो आपके पास वेट है उसकी डायरेक्शन को हम लोग कैसे डिस्कस करें? तो हम कहते हैं वेट यहां पर डाउनवर्ड है, वेट यहां पर भी डाउनवर्ड है और वेट तो यहां पर भी डाउनवर्ड है। फिर इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सब चल रहा है तो फिर यहां पर जब वो यहां पर होगा, थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी होगी? दोनों पैरेलल हो गए, जब दोनों पैरेलल हो गए तो थीटा हो गया जीरो। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी? टेंशन, अब कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो वन होता है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी? एम वी स्के ओवर आर माइनस एम जी के, ठीक हो गया। अच्छा, जब आप इस सिचुएशन को यहां पे स्टडी करोगे तो यहां पर थीटा कितना है? 180 डिग्री। और हम ये कह रहे हैं कि कॉस 180 किसके बराबर होता है? माइनस वन के। तो यहां पे टेंशन कितनी हो जाएगी? ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये है, जब आप माइनस पुट करोगे माइनस वन तो ये बन जाएगी एम वी स्केल ओवर आर प्लस एम जी के। और जब हम बात कर रहे होंगे इस जगह की, तो यहां पर थीटा कितना है? 90 डिग्री। और अगर ये थीटा यहां पर 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे टेंशन कितनी हो जाएगी? यहां पे टेंशन रह जाएगी एम वी स्केयर ओवर आर
क्यों? क्योंकि cos 90 means 0. तो अब इसका मतलब ये हो गया, जो बात हमें याद रखनी है कि टॉप पे टेंशन मिनिमम होती है बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होती है और ये जो मिड पॉइंट होता है इस पे ये टेंशन मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान होती है। टेंशन की वैल्यू इन बिटवीन होती है मैक्सिमम एंड मिनिमम के। अब हम ये कहते हैं कि जनाब सिर्फ क्या इसी को ही याद रख लें गुजारा हो जाएगा? कहते नहीं, समटाइम वो यहां से बजाय इसके कि टेंशन पूछे वो वर्टिकल लूप में स्पीड को डिस्कस करना शुरू कर देता है। तो हम कहते हैं स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा? तो हम कहते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है 3gr - 2gr cos θ स्केयर रूट, ठीक है। अब सेम वही सिचुएशन है कि यहां पर थीटा वही है, टेंशन वाली बात कि यहां पे जो है वो एंगल किस तरह बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं यहां पर इसकी स्पीड कितनी होती है? तो हम कहते हैं कि जी जब यहां पे हम देखते हैं तो इसकी स्पीड होती है स्केयर रूट जी आर। जब हम देखते हैं कि बॉटम पे कितनी होती है तो हम कहते हैं यहां पे इसकी स्पीड होती है 5gr स्केयर रूट। और हमसे कोई पूछता है यहां पर कितनी होती है तो हम कहते हैं स्केयर रूट 3gr। क्यों? क्योंकि जब हम यहां पे थीटा को देखते हैं तो वो आपके पास 0 degree होता है, जब यहां पे थीटा को देखते हैं तो वो आपके पास 90 degree होता है, और जब आप यहां पे थीटा को देखते हैं तो वो आपके पास 180 डिग्री होता है। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि पहले तो एमडीकैट के सिलेबस को कैसे फॉलो करना है, और फिर सेंट्रीपेटल फोर्स की वो बातें जो आम तौर पे हम समझते हैं कि ये एम वी स्केयर ओवर आर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं, ये एम वी स्केयर ओवर आर से बहुत आगे की चीज है। और जब हम हॉरिजॉन्टल लूप में घूम रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल लूप में तो खैर होती है ना, हॉरिजॉन्टल लूप में तो वही एफ सी इक्वल टू एम स्केयर ओवर आर होता है। असल गेम चलती है जब हम वर्टिकल लूप में आने की बात करते हैं, जब चीजें वर्टिकल लूप में घूम रही होती है तो सूरत हाल बनती है। तो हमने बताया है कि वर्टिकल लूप में टॉप पे टेंशन मिनिमम, मिड पॉइंट पर उससे ज्यादा और बॉटम पर मैक्सिमम होती है। और जब हम स्पीड को देखते हैं तो सेम स्पीड टॉप पे मिनिमम, बॉटम पे मैक्सिमम और मिड पॉइंट पर इन बिटवीन। तो ये सारी आज की डिस्कशन थी हमारी। इस डिस्कशन को ध्यान से सुने, इस लेक्चर को दोबारा से देखिए, इस वीडियो को, इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स को समझाने की कोशिश की गई है। ऐसा कॉन्सेप्ट जो एंटी टेस्ट में आता है तो बच्चे सिर्फ मामूली सी मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से इस टॉपिक को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उनसे गलतियां हो रही होती हैं, वो आसान से सवालों को गलत अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, कहीं से उन्होंने ठीक तौर से सीखा ही नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब चीजें अवेलेबल हैं, आपको बताने वाले मौजूद हैं, आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जा सकता है, आपको समझाया जा रहा है, तो फिर चीजें गलत क्यों हो? चीजें गलत उस वक्त हो जब कोई आपको सपोर्ट ना कर रहा, नियर पीयर आपको सपोर्ट कर रहा है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को आपकी स्ट्रेंथ बना देंगे। अब इंशाल्लाह ताला
नेक्स्ट सेशन में दोबारा मुलाकात होगी और हम लोग फिर डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक को, किसी ऐसे टॉपिक को जिसके बारे में बच्चे कहीं ना कुछ कंफ्यूज होते हैं, तो हम उन कंफ्यूजन्स को आपकी स्ट्रेंथ में बदल देंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अगले सेशन तक अल्लाह हाफिज। बेटा स्ट्रीमिंग रुक गई है।